नमस्कार दोस्तों, तो 9 तारीख को इंडिया पे लॉन्च होने वाला है रियलमी 8i, जिसमें आपको मिलेगा दुनिया का सबसे पहला हीलियो G96 प्रोसेसर और जिसका प्राइस होगा 14,000 के नीचे, मतलब 14,000 के आसपास। और अगर आप अभी फ्लिपकार्ट में देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में रियलमी की तरफ से अवेलेबल है रियलमी नार्जो 30 5G, जिसमें आपको मिलेगा डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, या फिर पोको M3 Pro 5G, जिसमें आपको मिलेगा डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर। तो इस वीडियो में देखेंगे, अगर आपका बजट है 14,000 रुपए के आसपास और अगर आप इस प्राइस पॉइंट में सबसे अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन लेना चाहते तो आपको इस दोनों प्रोसेसर के बीच में कौन सा चूज करना चाहिए, तो इस वीडियो में इस चीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त कवर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे ही सीपीयू कंपैरिजन आगे भी देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के रिलीज डेट को लेके। ये जो हीलियो G96 ये लॉन्च हुआ था 2001 क्वार्टर 3 पे, मतलब बस अभी लॉन्च हुआ था। और ये जो डायमेंसिटी 700 ये पिछले साल मतलब क्वार्टर 4 2020 पे लॉन्च हुआ था। अगर हम दोनों के कोर काउंट के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको 64 बिट्स ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है और दोनों ही प्रोसेसर में जो कोर डिवीजन वो आपको मिलेगा 2+6 कोर डिवीजन, इसका मतलब 2 हाई परफॉर्मेंस कोर और 6 लो परफॉर्मेंस कोर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम दोनों के सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, हीलियो G96 में आपको मिलेगा 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर, लेकिन डायमेंसिटी 700 में आपको मिलेगा 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर। मैंने मेरे हर एक प्रोसेसर कंपैरिजन वीडियो में आपको यही चीज़ कहा है कि जब हम दोनों प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन करेंगे उसमें से जिस प्रोसेसर का ये जो नैनोमीटर नंबर वो दूसरे वाले से कम होगा, इसका मतलब वो प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट और हीट मैनेजमेंट के मामले में दूसरे वाले से बेटर होगा। तो इस मामले में ये जो डायमेंसिटी 700 है ऑब्वियसली बेटर है, क्योंकि इसमें आपको 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम दोनों के कोर टाइप के बारे में बात करें, हीलियो G96 में आपको 2 हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A76 कोर मिलता है, जिसका स्पीड है 2.05 GHz, और 6 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर मिलता है, जिसका स्पीड है 2.0 GHz। लेकिन डायमेंसिटी 700 में आपको 2 हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A76 कोर मिलता है, जिसका स्पीड है 2.2 GHz, और 6 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर मिलता है, इसका स्पीड है 2.0 GHz। तो इधर आप देख सकते हैं कि दोनों ही प्रोसेसर में एग्जैक्टली सेम हाई परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस कोर आपको मिलेगा। ये जो डायमेंसिटी 700 इसमें जो हाई परफॉर्मेंस कोर उसका मैक्सिमम स्पीड है 2.2 GHz, उधर ही हीलियो G96 का जो हाई परफॉर्मेंस कोर उसका स्पीड है 2.05 GHz। नेक्स्ट, अगर हम दोनों के रैम सपोर्ट के बारे में बात करें, हीलियो G96 और डायमेंसिटी 700 दोनों पे आपको डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलेगा, जिसका मैक्सिमम स्पीड है 2133 MHz, और दोनों ही प्रोसेसर में रैम का जो मेमोरी बैंडविड्थ वो दरअसल है 17.1 GBPS। नेक्स्ट, अगर हम दोनों के मेमोरी सपोर्ट के बारे में बात करें तो इधर भी दोनों सेम, क्योंकि दोनों पे आपको eMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 2.2 तक का स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम दोनों के कैमरा सपोर्ट के बारे में बात करें, हीलियो G96 में आपको सिंगल कैमरा में 108 MP तक और डुअल कैमरा में 16 MP तक का कैमरा का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन डायमेंसिटी 700 में आपको सिंगल कैमरा में 64 MP तक और डुअल कैमरा में 16 MP तक का सपोर्ट मिलेगा। तो इसका मतलब हम यही चीज़ कह सकते हैं कि 108 MP कैमरा जो कि सैमसंग की तरफ से अवेलेबल है, उस सेंसर के साथ बहुत सारे स्मार्टफोन हमें 20,000 के अंदर मिलेगा। किसी भी 108 MP कैमरा वाले स्मार्टफोन में आपको डायमेंसिटी 700 बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और इधर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, गैजेटल चैनल पे बस कुछ घंटे पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया कि इनफिनिक्स 0X प्रो नाम का एक स्मार्टफोन आने वाला है, 17,000 के आसपास प्राइस होगा, उसमें आपको बिल्कुल सेम इस हीलियो G96 के साथ 108 MP कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम दोनों के वीडियो कैप्चर की बारे में बात करें, हीलियो G96 में आपको 4K वीडियो 30 FPS पे, फुल HD वीडियो 120 FPS पे और HD स्लो मोशन वीडियो 240 FPS पे रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा, लेकिन डायमेंसिटी 700 में आपको बस 2K वीडियो 30 FPS पे और फुल HD वीडियो 60 FPS पे रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा। तो वीडियोग्राफी के मामले में ये जो हीलियो G96 ये ऑब्वियसली बेटर है। नेक्स्ट, अगर हम दोनों के डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में बात करें तो इधर दोनों ही प्रोसेसर में मैक्सिमम फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा। हीलियो G96 में आपको मिलेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, लेकिन डायमेंसिटी 700 में आपको मिलेगा सिर्फ 90Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट। नेक्स्ट, अगर हम दोनों के नेटवर्क सपोर्ट के बारे में बात करें, इधर तो दोनों प्रोसेसर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, डायमेंसिटी 700 एक 5G प्रोसेसर है, उधर ही हीलियो G96 एक 4G प्रोसेसर है। ये जो हीलियो G96 इसमें 4G में डाउनलोड स्पीड मिलेगा 600
100 Mbps और 4G में अपलोड स्पीड मिलेगा 150 Mbps, लेकिन डायमेंसिटी 700 में आपको 5G में डाउनलोड स्पीड मिलेगा 2.77 Gbps। मतलब इस नेटवर्क स्पीड के मामले में इस दोनों प्रोसेसर के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि एक है 4G, दूसरे 5G प्रोसेसर। लेकिन अगर हम नेटवर्क के कुछ बाकी के चीज़ों के बारे में बात करें तो दोनों पे आपको Wi-Fi 5 डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, दोनों पे आपको नेविक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। नेविक दरअसल इंडिया का खुद का GPS नेविगेशन सिस्टम है। हीलियो G96 में आपको मिलेगा ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट, डायमेंसिटी 700 में आपको मिलेगा ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों प्रोसेसर का सबसे मेन चीज़ जो कि ग्राफिक्स कार्ड। तो इधर दोनों प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम, क्योंकि दोनों पे आपको माली G57 MC2 नाम का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। ये जो डायमेंसिटी 700, इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड का फ्रीक्वेंसी वो आपको मिलेगा 950 MHz, लेकिन हीलियो G96 में जो ग्राफिक्स कार्ड का फ्रीक्वेंसी वो कितने मेगाहर्ट्ज पर है इसके बारे में कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसके बाद अगर हम दोनों के ग्राफिक्स का स्कोर के बारे में बात करें, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसर में एक्जैक्टली सेम कोर वाला ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल हुआ है, तो ऑब्वियसली जो Antutu GPU स्कोर उसमें स्कोर होगा 80,000, जो कि एक्जैक्टली दोनों का सेम, और सेंचुरियन मार्क में दोनों का स्कोर होगा 99। इसके बाद अगर हम दोनों के Antutu स्कोर के बारे में बात करें तो ये जो हीलियो G96 इसका Antutu वर्शन 8 में स्कोर है 3 लाख से थोड़ा सा ज्यादा, और ये जो डायमेंसिटी 700 इसका Antutu वर्शन 8 में स्कोर है 3 लाख से थोड़ा सा ज्यादा। और क्योंकि हीलियो G95 और G96 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इधर हम हीलियो G95 का स्कोर को लेंगे। तो इसीलिए इस जगह पे जो हीलियो G96 का हमने स्कोर लिया है वो दरअसल Narzo 30 का स्कोर है, और जो डायमेंसिटी 700 का स्कोर लिया है वो दरअसल Narzo 30 5G का स्कोर है। और इसके बाद अगर हम फाइनली दोनों के गिगनेस स्कोर की बारे में बात करें, हीलियो G96 का सिंगल कोर में स्कोर है 536 और मल्टी कोर में स्कोर है 1700 से थोड़ा सा ज्यादा, और डायमेंसिटी 700 का सिंगल कोर में स्कोर है 541 और मल्टी कोर में स्कोर है वही 1700 के आसपास। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूशन की, तो उम्मीद इधर तक समझ में आ गया होगा कि दोनों प्रोसेसर के बीच में बहुत सारे सिमिलरिटीज है, लेकिन जो छोटे मोटे कुछ डिफरेंसेस है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो अगर हम सेम प्राइस पॉइंट में डायमेंसिटी 700 के साथ जाते तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी C2 आर्किटेक्चर, थोड़ा सा बेटर क्वालिटी एवरेज CPU स्पीड, और ये जो डायमेंसिटी 700 ये दरअसल एक 5G प्रोसेसर है। लेकिन अगर हम सेम प्राइस पॉइंट में हीलियो G96 के साथ जाते तो आपको मिलेगा 108 MP कैमरे का सपोर्ट, 4K क्वालिटी में वीडियोग्राफी का सपोर्ट, 120Hz रिफ्रेश रेट का ऑप्शन। तो ये सभी पॉइंट्स के अलावा इस दोनों प्रोसेसर के बीच में कोई भी डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब वीडियो के आखिर में मैं यही चीज कह सकता हूँ, दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम ही है, बस जो CPU आर्किटेक्चर उसमें थोड़ा सा इधर उधर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों का Antutu स्कोर, Geekbench स्कोर एग्जैक्टली सेम है, जो GPU स्कोर वो भी सेम है। तो मतलब जो मेन डिफरेंस वो आपको देखने को मिलेगा 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, 108 MP कैमरे का सपोर्ट और 7 nanometer आर्किटेक्चर। तो मतलब वीडियो का आखिर में मैं यही चीज कहना चाहूंगा, दोनों प्रोसेसर परफॉर्मेंस के मामले में ऑलमोस्ट सेम ही है, और अगर हम कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें तो एक्स्ट्रा फीचर के मामले में हीलियो G96 बेटर है, क्योंकि आज के दिन में बजट रेंज में हमें 108 MP कैमरा चाहिए और उसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट भी चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस के मामले में दोनों सेम, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर के मामले में हीलियो G96 पर थोड़ा सा आगे। वैसे अभी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये दोनों प्रोसेसर के बीच में अगर कोई स्मार्टफोन लेना चाहेंगे तो आप कौन से प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेना चाहेंगे, मैं वो जरूर देखना चाहूंगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।